सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं ग्लोरोड ऐप के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि अगर आप लोग ग्लोरोड ऐप से रिसेलिंग करते हैं या फिर खुद के लिए ही कोई भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं यानी कि शॉपिंग करते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग को एक प्रॉब्लम यहाँ से आने वाली है या फिर आपके पास या फिर ऑलरेडी आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि आप लोग को ग्लोरोड ऐप में अगर आप लोग सीओडी पर कोई प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं तो आप लोग को वहाँ से पहले बुकिंग फी यहाँ से देनी पड़ रही है, यानी कि आप लोग को फिर भी ऑनलाइन पेमेंट यहाँ से करना पड़ रहा होगा। हालांकि वो जो प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो बैलेंस होता है आपका रिफंडेबल होता है, यानी कि प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद आपके पास पहुँच जाता है। और प्रोडक्ट यहाँ से डिलीवर नहीं होता है तो आपका कस्टमर अगर कैंसिल कर देता है तो डिलीवरी चार्ज वो लोग यहाँ से आपका रिफंड भी नहीं करते हैं। तो इस प्रॉब्लम से पहले ही निपटने के लिए आप लोगों को हम बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, यानी कि इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पूरी डिटेल के साथ हम यहाँ से बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ग्लोरोड ऐप है या फिर आप लोग ग्लोरोड ऐप से यहाँ से रिसेलिंग कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप लोग रिसेलिंग कर रहे हैं, रिसेलिंग करते समय फ्रेंड्स आप लोग अपने कस्टमर का कोई भी एड्रेस वगैरह यहाँ से लेते हैं। एड्रेस वगैरह लेने के बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है अपने कस्टमर का, वो अगर डिलीवर हो जाता है कंटिन्यू फ्रेंड्स, अगर आप लोग रिसेलिंग कर रहे हैं ग्लोरोड ऐप से और कंटिन्यू आपके प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, कोई रिफंड नहीं हो रहा है, कोई रिटर्न नहीं हो रहा है, और फ्रेंड्स कोई भी प्रोडक्ट आपका कस्टमर लेने से मना नहीं कर रहा, बीच में आपका प्रोडक्ट कैंसिल नहीं हो रहा है या फिर डिलीवरी बॉय से यहाँ से लेने से मना नहीं कर रहा है, तो आपके पास ये प्रॉब्लम जो है यहाँ से जो होती है बुकिंग फीस की प्रॉब्लम है, जो कभी यहाँ से नहीं आने वाली है। और फ्रेंड्स अगर आपके जो प्रोडक्ट वगैरह यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं, लगातार कैंसिल हो रहे हैं, आप लोगों के कस्टमर के पास प्रोडक्ट डिलीवर होने से पहले प्रोडक्ट कैंसिल हो रहा है या फिर आपका कस्टमर ही वहाँ से कैंसिल कर दे रहा है, तो वहाँ से आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है कि बाद में आपका जो अकाउंट है या फिर आपके अकाउंट की सीओडी बंद कर दी जाएगी, या फिर आपको अगर फ्रेंड्स या फिर आप लोग सीओडी पर कोई भी प्रोडक्ट को बाय करेंगे, यानी कि अपने कस्टमर के लिए प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे, तो वहाँ से आप लोग को पहले बुकिंग फी यहाँ से देनी होगी। और फ्रेंड्स अगर आप लोग इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग कंटिन्यू इस एप्लीकेशन से सीओडी पर प्रोडक्ट को यहाँ से बाय करना चाहते हैं, अपने कस्टमर को यहाँ से सेल करना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स, यहाँ से अपने कस्टमर का एड्रेस वगैरह बिल्कुल ठीक से ले ढंग से बात करनी है कि इस टाइम पर आपका जो प्रोडक्ट यहाँ से डिलीवर होगा, और उनको पहले से यहाँ से समझा के रखना है फ्रेंड्स कि इस तरीके से यहाँ से अगर आप लोग प्रोडक्ट यहाँ से लेते हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ से रिफंड कर देंगे, यानी कि रिटर्न कर देंगे आपका ऑर्डर, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग अपना जो ऑर्डर है अपने कस्टमर से बोल कर रखिए कि आप जो है जो ऑर्डर है यहाँ से कैंसिल ना करें। कैंसिल करने में फ्रेंड्स क्या होता है बीच में कैंसिल करने में, तो यहाँ से ग्लोरोड अगर आप बार बार आप लोगों की जो यहाँ से प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हो रही है, बीच में कैंसिल हो रही है, तो आप लोग की वहाँ से जो यहाँ से सीओडी बंद कर देता है और बुकिंग फीस आपको यहाँ से देनी होती है। सो फ्रेंड्स अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है और फ्रेंड्स आप लोग पहले यहाँ से बुकिंग फीस यहाँ से नहीं देना चाहते हैं, और फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ से मैं आप जो लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि यहाँ से आप लोग किस तरीके से यहाँ से जो है बुकिंग फीस को यहाँ से नहीं देना चाहते हैं, तो आप लोग किस तरीके से इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो आप लोग को क्या करना है। तो यहाँ से हम यहाँ से सबसे पहले यहाँ से हम चले जाएंगे अपने ग्लोरोड ऐप में। जैसे कि आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे, हमने अपना ग्लोरोड ऐप यहाँ से ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइम पर जो रिसेलिंग में नंबर बनता फ्रेंड्स चल रहा है, ग्लोरोड ऐप ही चल रहा है, कोई भी यहाँ से मीशो हो गया या फिर शॉपसी हो गया, शॉपसी से तो अब रिसेलिंग और मीशो से रिसेलिंग आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उतना यहाँ से रिसेलिंग नहीं होती है। तो यहाँ से हम इसको अपने कार्ड में जो हमने प्रोडक्ट यहाँ से सेव किया हुआ है, तो हम यहाँ से हम सीधा अपने कार्ड में चले जाएंगे। जैसे कि फ्रेंड्स जिसके आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 176 रुपये का ये प्रोडक्ट है, और फ्रेंड्स आप लोग इसे रिसेल करना चाहते हैं तो रिसेल के लिए फ्रेंड्स यहाँ से हम कर लेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट का जो फाइनल प्राइस है यहाँ से हम कर लेते हैं 176 का है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं फ्रेंड्स अपना 50 रुपये का यहाँ से मार्जिन हम ऐड कर लेते हैं। आप लोग कम ज़्यादा या फिर जिस भी तरीके की फ्रेंड्स आप लोग की डील हो रही है अपने कस्टमर से, आप लोग वहाँ से प्रोडक्ट को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे कि एड्रेस वगैरह हम यहाँ से फिलअप कर लेते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ से ऑप्शन मिल रहा है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी का हमें ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, तीनों ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स 235 रुपये का ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ से आप लोग प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करके यहाँ से प्लेस ऑर्डर कर देना है, और यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है ज़्यादातर यहाँ से बुकिंग फी का, लेकिन फ्रेंड्स हमें कोई भी बुकिंग फी यहाँ से नहीं देनी पड़ रही है। और इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स अगर हम जाएंगे अपने ओल्ड अकाउंट में, यानी कि जिस एप्लीकेशन से यानी कि जिस अकाउंट से हम रिसेलिंग करते हैं, तो उस अकाउंट पर अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ से आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर हमें जो बुकिंग फीस भी देनी पड़ रही है फ्रेंड्स, और साथ में आपको यहाँ से सीओडी का ऑप्शन तो मिल रहा है, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ से बुकिंग फीस भी यहाँ से देनी पड़ रही है। तो यहाँ से हम चले आए हैं सीधा अपने कार्ड में, और कार्ड में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से अपना मार्जिन वगैरह आप लोग ऐड करना चाहते हैं सेम वही, तो हम 390 कर देते हैं फाइनल प्राइस, यहाँ से हम कर देते हैं 20 रुपये अपना मार्जिन रख लेते हैं यहाँ से सैंपल के तौर पर। तो यहाँ से हम कंटिन्यू कर लेंगे, और अपना जैसे कि आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे कितने यहाँ से हमारे पास एड्रेस है, यानी कि जो अकाउंट है हमारा रिसेलिंग वाला अकाउंट है, और हम यहाँ से आपको लास्ट में पेमेंट प्रूफ भी दिखाएंगे यहाँ से फ्रेंड्स कितनी अर्निंग की हमने। तो यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी यहाँ से सेलेक्ट है ऑलरेडी, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 402 टोटल प्राइस है, ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में फ्रेंड्स हमें जो 60 रिफंडेबल बुकिंग फी यानी कि 60 रुपये की बुकिंग फीस यहाँ से हमें देनी होगी, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट हमें फिर भी करना होगा तभी आप लोग यहाँ से रिसेलिंग करवाएंगे अपने कस्टमर के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम सीधा चले जाएंगे अपने ऑर्डर में, आपको यहाँ से हम दिखाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे माई अकाउंट में, और माई अकाउंट में जाने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ सीधा चले जाएंगे माई ऑर्डर में। माई ऑर्डर में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से जिस अकाउंट से हम रिसेलिंग करते हैं या फिर रिसेलिंग करते थे, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं, अब हमने रिसेलिंग करना बंद कर दिया है क्योंकि हम यूट्यूब पर फ्रेंड्स इस टाइम वर्क कर रहे हैं,
और पूरा एक्सपीरियंस फ्रेंड्स हम आप लोग को यहाँ से रीसेलिंग के बारे में बताते रहते हैं कि किस तरीके से आप लोग को रीसेलिंग वगैरह करनी है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कितने यहाँ से हमारे ऑर्डर वगैरह कैंसिल भी हुए हैं, डिलीवरी भी हुए। तो ज़्यादातर फ्रेंड्स हमारे जो प्रोडक्ट है यहाँ से कैंसिल हुए हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, और डिलीवर भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स डिलीवरी नहीं हुई है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं काफ़ी जो प्रोडक्ट है हमारे डिलीवर भी हुए हैं और यहाँ से कैंसिल भी हुए हैं। तो फ्रेंड्स हमने कस्टमर केयर से बात की थी कि हमारी जो सीओडी है या फिर रिफंडेबल जो है तो ये क्यों बंद कर दी गई है, आपको पहले क्यों भी यहाँ से हमने देनी पड़ रही है। तो यहाँ से यही कारण है कि फ्रेंड्स हमारे जो ऑर्डर है बहुत ज़्यादा कैंसिल हुए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आपको यहाँ से अपनी अर्निंग दिखाने वाले हैं कि अब तक हमने कितनी अर्निंग यहाँ से की है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 324 रुपये हमने अब तक यहाँ से अर्निंग की है इस अकाउंट में। हालांकि फ्रेंड्स एक दूसरा अकाउंट और है जिसमें हमने 5 से 10 हज़ार रुपये तक की यहाँ से अर्निंग की है। पहले हम मीशो, ग्लो रोड, मीशो हो गया और 100 बन 01 और काफ़ी रीसेलिंग एप्लीकेशन है, सभी एप्लीकेशन से हम लोग रीसेलिंग करते थे। काफ़ी रीसेलिंग से हमारी अर्निंग भी होती थी, 2 से 10 हज़ार तक की यहाँ से हमारी अर्निंग होती थी मंथली। हालांकि फ्रेंड्स हमने अब रीसेलिंग करना बंद कर दिया है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग रीसेलिंग किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग फेसबुक मार्केट प्लेस पर पोस्ट करनी है, किस तरीके से आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह यहाँ से बनाने हैं, किस तरीके से आपको इंस्टाग्राम पर रीसेलिंग करनी है, पूरी डिटेल हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि आप लोग को पहले बुकिंग फी यहाँ से देनी पड़ रही है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से दूसरा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि दूसरे नंबर से अपना जो रीसेलिंग करने के लिए अपना ग्लो रोड ऐप में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ओपन करने के बाद वहाँ से फ्रेंड्स अपना बैंक अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ से डिटेल फिलअप करके वहाँ से रीसेलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स कोशिश कीजिएगा कि आप लोग के जो ऑर्डर हैं कैंसिल ना हो। अगर आप लोग के ऑर्डर ज़्यादा कैंसिल होते हैं तो आपके यहाँ से सीओडी बंद कर दी जाएगी और साथ में आप लोगों को हर बार फिर से यहाँ से बुकिंग फी वगैरह यहाँ से देनी पड़ेगी। सबसे फ्रेंड्स ये आज की वीडियो, सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बंदे मातरम।